हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नई वैकेंसी आ रखी है उसके ऑनलाइन अप्लाई के बारे में बताएंगे। ये जो ऑनलाइन अप्लाई है ये हम फ़ोन के माध्यम से करेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहना और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहा है इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड पर चले जाना है। नीचे आपको स्क्रॉल करके डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना है। तो ये हमारा डेस्कटॉप मोड पर ऑन हो गया है। और आपको बता दें, जो इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाओगे। तो सबसे पहले यदि आपने इसमें जो रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो यहाँ पर आपने एप्लीकेशन फॉर्म डालना और एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर पासपोर्ट फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना है। ये कैप्चा आपको नीचे दे रखा है और उसके बाद आपने साइन इन करके इसके ऑनलाइन अप्लाई पर आप चले जाओगे। और आपने न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको इस तरह की डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले आपको इस इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। मैं आपको बता दूँ, जनरल OBC और NCL वालों के लिए 500 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगेगी और EWS वालों के लिए 300 रुपये की फ़ीस लगेगी। SC ST और PWD वालों के लिए और वोमेन कैटेगरी वालों के लिए नो फीस है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये पूरा इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का डिस्प्ले आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, फिर इसके यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डालना है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपने माताजी का नाम डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर फिल करनी है, फिर यहाँ पर आपने जेंडर फिल करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी डालनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी टाउन या विलेज नाम डालना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कंट्री चूज़ करनी है, फिर उसके बाद यहाँ अपना अपना स्टेट डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पिन कोड डालना है अपना, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, फिर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फिर आपको अपना यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आप डेली यूज़ कर रहे हो। फिर आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो फिल किया था आपने वो एक ही जैसा है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपना सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड आपको जिस तरह से मैंने आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, उसी तरह आपका आपको पासवर्ड जनरेट करना है। इसमें आपका स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और एक नंबर होना चाहिए और इसमें एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। जिस तरह का आपको डिस्प्ले दिख रहा होगा उसी टाइप का आपको भी ये पासवर्ड जनरेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पासवर्ड करना है, जो ऊपर आपने पासवर्ड डाल रखा है उसको आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको क्लिक करना है और उसका आंसर देना है नीचे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कैप्चा दे रखा है उसको ऊपर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको इस टाइप की अपनी डिस्प्ले दिखाई देगी। इसमें आपके जो भी अभी आपने भरे थे वो आपके पूरी डिटेल इसमें दिखाई देंगी। आपको उसको चेक करना होगा अच्छी तरह से, आपको उसमें देख लेना कि आपके कहीं पर गलती तो नहीं हो रखी है। तो आपको इसको देखने के बाद फिर उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर को आपको अच्छी तरह से ऊपर देख के फिर इसमें टिक करना है। टिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। यदि आपके इसमें जो पहले आपने नाम, फादर्स नेम, इसमें कहीं भी गलती हो रखी है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना जो जो भी है गलती है उसको सुधार सकते हो। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा।
तो हम फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट करने क्लिक करने के बाद आपको यस या नो करना पड़ेगा, तो आपको देख लेना होगा इसमें, अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपको यस करना है। फिर उसके बाद आपको इस टाइप की आपको डिस्प्ले दिखाई देगी। सबसे पहले हमने अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद हम फीस पेमेंट करेंगे। अब जो यहाँ पर नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है कहीं पर, और उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस टाइप की अपनी डिस्प्ले दिखाई देगी, अब आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी नेशनलिटी डालनी है, फिर उसके बाद कैटेगरी डालनी है, उसके बाद सब कैटेगरी डालनी है। तो सबसे पहले हम इसको फिल कर लेते हैं, नेशनलिटी में इंडिया चूज कर लेते हैं, और कैटेगरी SC, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको फिल करनी है यहाँ पर। यदि आपकी सब कैटेगरी है तो अपना कैटेगरी डाल लें, और यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर अपना फिल कर दें। तो इसके बाद आपके पास PWS सर्टिफिकेट है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। तो मेरे पास नहीं है तो इसको नो कर देते हैं। फिर आगे यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। फिर आगे है यदि आप जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं तो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। फिर आगे है यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। NOC डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यहाँ पर यस करें, वरना नो करें। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो आप दोगे हिंदी में दोगे या इंग्लिश में दोगे, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हो वहाँ पर इसको, वहाँ पर उस पर क्लिक करें आप। फिर आगे यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करना है, इसमें 4 सेंटर हैं तो आपको अलग अलग करके यहाँ पर आपने सेंटर चॉइस करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 10वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस डालना है, मैंने पासिंग स्टेटस फिल कर ली है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपने कौन सी ईयर में 10वीं क्लास पास की थी वह यहाँ पर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने कोर्स स्ट्रीम नेम डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेज डालनी है, आपने जिस भी लैंग्वेज से 10वीं क्लास पास की है तो उस लैंग्वेज को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम डालना है, आपने 10वीं क्लास जिस बोर्ड से आपने पास किया वो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आदि आपने परसेंटेज फिल की है तो यहाँ पर आपको टोटल नंबर लिखने हाई स्कूल के, और उसमें कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पर डालने हैं, और यहाँ पर अपनी परसेंटेज आ जाएगी। तो उसके बाद आपको 12th के और ग्रेजुएशन के डिटेल डालनी है, वो भी आप जैसे मैंने 10th की डाली है उसे आपको 12th और ग्रेजुएशन की डालनी है। फिर उसके बाद दोस्तों यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आप उसको डिटेल डालनी पड़ेगी। यदि आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप नीचे जाओगे तो नीचे जाकर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको इसको फिल करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल करना है। इसी तरह आपको पूरे इसको डिटेल फिल करनी है, अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन नहीं है वहाँ पर आपको पासिंग स्टेटस पर नॉट एप्लीकेबल करना है, तो मैं उनको अब अच्छी तरह से कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास कोई एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो आपको इसमें इस फिल करना है, यदि आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पर पासिंग स्टेटस पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। फिर आगे है यदि आपके पास फाइनेंस अकाउंट पर अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आपने सर्विस दे रखी है तो यहाँ पर उसको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। यहाँ पर मैंडेटरी एक्सपीरियंस फॉर्म गवर्नमेंट और PCU का जो ये डिटेल है ये आपको फिल करना है, जो जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल के हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल को फिल करना है, प्रोसेसिंग मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए तो आपको इस डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दे रखा है उसको ऊपर यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसे क्लोज करना होगा और जिन भी डिटेल है इनको प्रीव्यू करना होगा।
फिर उसके बाद आपको इन सभी डिटेल को यहाँ पर टिक करना होगा, जितनी भी यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल है इनको सभी को आप टिक कर लेना। उसके बाद आपको फिर नीचे जो यहाँ पर आई एग्री वाला जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा, और यदि आपके फॉर्म में कहीं भी कोई भी गलतियाँ हैं तो यहाँ से आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद एडिट आप नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे ध्यान से देखना आप। फिर उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो, आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये भी कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म ये भी कंप्लीट। अब आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपने इस यहाँ पर अपलोड करने होंगे, तो आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पे इस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ इसमें अपलोड करना है जिसका साइज़ आपका 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ से आप उसे अपलोड कर देना। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है आपका थंब इम्प्रेशन लग रहा है, तो इसमें आपको 10 से 100 का इसका साइज़ रखना है, इसको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज़ आपको 4 से 30 KB के बीच में रखना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसका साइज़ आपको 50 से 300 है। फिर आपको अपना DOB सर्टिफिकेट ये अपलोड करना है, इस पर आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर लेना है, जिस पर आप जो साइज़ होगा वो होगा आपका 50 से 300 KB। फिर उसके बाद आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जिसका साइज़ है 50 से 300। फिर 12th का सर्टिफिकेट 50 से 300 KB के बीच में। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर अपलोड करना है, उसका साइज़ आप देख लो। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट आपको इसमें मांगे गए हैं और उनका साइज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसी साइज़ में आप एडिट करना। और यदि आपको मोबाइल फ़ोन से एडिट करने हैं ये डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो ये डॉक्यूमेंट है ईजी स्टेप से, तो इस वीडियो से आप अपना जो डॉक्यूमेंट है ये एडिट कर सकते हो। तो फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई आपको देंगे। तो इस तरह ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपका जो यदि आपके उसमें पेमेंट का ऑप्शन आता है, फिर यदि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यदि आपके उसमें फीस लगती है तो आप ही पेमेंट कर लेना। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना, तो इस तरह आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप फिल कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी, तो ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।